छत्तीसगढ़ के दुर्ग में बुलडोजर लगातार एक्टिव मोड पर है। दुर्ग पुलिस और भिलाई इस्पात संयंत्र की इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट ने अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलाने की कार्यवाही की है। दुर्ग जिले के शातिर अपराधी और हिस्ट्री शीटर पिंकी राय के ढाबे पर बुलडोजर चलाया गया। आपको बता दें कि पिंकी राय के खिलाफ दुर्ग जिले के अलग अलग थानों में 20 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। पिंकी राय भिलाई इस्पात संयंत्र की जमीनों पर कब्जा करके लंबे समय से ढाबे और दुकान को संचालित कर रहा था, जिसकी शिकायत भिलाई इस्पात संयंत्र को लगातार मिल रही थी। शिकायत पर संज्ञान लेते हुए ढाबे पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान पुलिस प्रशासन के 50 से ज्यादा जवान और पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। देखिए, बीएसपी के द्वारा लगातार बीएसपी प्रबंधन के द्वारा और इन्फोर्समेंट जो इनका वो है डिपार्टमेंट, उसके द्वारा लगातार पुलिस से बल की डिमांड की जा रही थी। नेवी भाटे में बड़े पैमाने पर असामाजिक तत्वों के द्वारा अतिक्रमण कर और अपना बिल्डिंग वगैरह सब कुछ बनाया गया है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया गया है, तो इनकी मांग पर आज पुलिस बल यहाँ पे सुरक्षा के लिए इन्फोर्समेंट टीम जो है बिला स्टील प्लांट का, उसकी सुरक्षा के लिए और किस प्रकार की कानून व्यवस्था किसी निर्मित ना हो उसके लिए यहाँ पे आई हुई है। और यहाँ पे इनके द्वारा पिंकी राय जो गुंडा बदमाश है नवई थाना क्षेत्र का, उसके द्वारा बड़े पैमाने पर अवैध रूप से अतिक्रमण किया गया है, जिसको बीएसपी के अतिक्रमण दस्ते के द्वारा तोड़ा जा रहा है और डिसमेंटल की कार्रवाई की जा रही है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।